हर हर महादेव। एक जो है जोधपुर से क्षत्रिय विक्रम सिंह राणा जी हैं, उनका प्रश्न है जो कि सृष्टि वर्धन से संबंधित है, सबके लिए सर्वोपयोगी है। यद्यपि आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, परंतु ये जो है शास्त्रीय है, शास्त्रों में सब वर्णन है और हम सबकी उत्पत्ति इसी के आधार पर हुई है। मैथुनी सृष्टि है और इसी से हमारी प्रजा भी, हमारी पुत्र इत्यादि भी, संतति आगे बढ़ती है। वेद की जो 1131 शाखाएं हैं, उनमें से ये जो अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार गर्भाधान संस्कार होना चाहिए, गर्भाधान, तो गर्भाधान संस्कार में ये गर्भ संस्कार है या शिशु संस्कार है, तो दोनों का ही संस्कार माना गया है। तो इसमें प्रथम बार चतुर्थी कर्म होने के बाद 4 दिन बाद अपर रात्रि में, रात्रि के अंतिम प्रहर में, प्रातः काल, एक रात्रि के चौथे प्रहर में, प्रातः काल इसको किया जा सकता है, ब्राह्म मुहूर्त में करना चाहिए। और वो क्या कैसे करना है, हवन पूजन इत्यादि सब उसमें होता है। और उसके बाद फिर ऋतुकाल आने पर पत्नी से प्रथम मिलन, जिसे सुहाग रात्रि कहते हैं लोग, वो जब किसी की पत्नी का विवाह होकर के आया है, अगर वो अभी ऋतुमती नहीं है, पहले विवाह हो जाता था, तो उतने दिन प्रतीक्षा करके, तथा उसका प्रथम ऋतुकाल जो गलत मुहूर्त में हो गया, इसका भी मुहूर्त है किस समय पहला ऋतुकाल हो, इसकी भी कुंडली बनती है, इस पर बहुत विचार है, इसके ऊपर हम बतलाएंगे कि प्रथम ऋतु दर्शन कन्या का किस समय होता है, तो उसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बनेगा, बहुत विस्तार से शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वो समय फिर 1 महीना छोड़ करके अगला जब ऋतुकाल सो समय में हो जाए, तो प्रथम मिलन जब हो पुत्र जो है पति पत्नी का पुत्र उत्पत्ति के लिए, तो उसे ही सुहाग रात्रि कहते हैं या दारोपगमन कहते हैं। तो इसी से संबंधित इनका प्रश्न है, इन्होंने पूछा है कि पत्नी के साथ में सहवास कैसे किया जाए। तो देखिए कि कर्मठ गुरु एक ग्रंथ है और भी कई ग्रंथों में दारोपगमन विधि लिखी है कि पत्नी के साथ में पति किस तरीके से संपर्क करे, तो वो यहाँ हम कर्मठ गुरु के आधार पर इसमें दी गई जो विधि है वो हम बतलाते हैं। देखिए, सर्वथा रक्षिताम स्वातंत्र रहिताम स्वस्त्रियम, जो अपने द्वारा रक्षित स्त्री है, जिसकी स्वयं रक्षा करने का दायित्व तो पति पर है, जो कि स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र रहित है, पर पति के परतंत्र है, पति परायणा है, और ऐसी स्वस्त्रियम, ऐसी अपनी विवाहिता पत्नी को ही, और ऋतु दर्शनम आरभ्य आद्य दिन चतुष्टय एकादश त्रयोदश दिनानि अतिरिक्त 16 दिन मध्ये, माने अपनी पत्नी में जो ऋतुकाल जिसको मासिक धर्म हो चुका है, और पहले 3-4 दिन छोड़ करके आद्य चतुष्टय, पहले 4 दिन और 11वां दिन, एकादशवां और 13वां दिन, माने इन दिन पत्नी से संपर्क नहीं करना चाहिए। 4 दिन पहले के 4 रात्रि जो ऋतु दर्शन काल की है, जिस दिन जो पीरियड रहता है, मासिक धर्म रहता है, उस समय गर्भाधान करने से वो कुलक्षणा संतान होती है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। और ये जो 11वें और 13वें दिन संतान के नपुंसक होने के ज्यादा लक्षण होते हैं, तो इस इन दिनों में वर्जित है। ये जो इन्होंने लिखा हुआ है, ये बड़े ही मुकुंद वल्लभ दैवज्ञ जी बड़े ही अच्छे विद्वान आचार्य हैं, ये आचार्य श्री ने धर्मशास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र को बिल्कुल मिलाते हुए ये पद्धति लिखी गई है। और जब ऋतु दर्शन जिस दिन से होता है, उस दिन से 16 दिन तक, 16 रात्रि तक ऋतुकाल होता है, और इसमें गर्भाधान करने पर वो गर्भ ठहरता है। तो 4 दिन छोड़ दिए और 11वां और 13वां दिन भी छोड़ दिया,
दिन गर्भाधान नहीं करना है। अगर कोई समझता है पुत्रार्थी युग्म दिने, कोई चाहता है कि हमको पुत्र हो, तो युग्म रात्रियों में, मैं चार तो छोड़ ही दिया, तो छठवीं, छठी, आठवीं, दसवीं और उधर बारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं, जितना बाद में, जैसे कि चौथी से, चौथी तो मना ही कर दिया है, छठी से आठवीं श्रेष्ठ है, आठवीं से दसवीं, यानी जितने लेट बाद में करता है तो उस समय श्रेष्ठ, गुणवान, बुद्धिमान, बलवान, कीर्तिवान, सामर्थ्यवान पुत्र होने का ये जो है अधिक अवसर रहता है, ऐसा शास्त्रों ने बतलाया। कन्यार्थी अयुग्म दिने, और जो अगर कोई कन्या चाहता है तो अयुग्म दिन में, यानी पांचवीं, सातवीं, नौवीं, ग्यारहवां, तेरहवां तो छोड़ ही दिया है, पंद्रहवीं रात्रि में ये जो है समागम करने पर कन्या की प्राप्ति होती है। इसमें भी संध्या, दिवा, श्राद्ध, पर्व दिनम विहाय, संध्या काल में नहीं करे ये जो है मैथुन क्रिया, दिन में नहीं करे, और श्राद्ध जिस दिन घर में श्राद्ध हो या पर्व दिन हो, पर्व दिन में नहीं करे। पर्व दिन क्या होते हैं? चतुर्दशी, अष्टमी, चैव, अमावस्या च पूर्णिमा, पर्वाण्येतान राजेंद्र, रवि ही संक्रांति रेवच, दोनों पक्षों की अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या तथा पूर्णिमा और रवि संक्रांति, हर महीने में एक संक्रांति होती है जो कि 14 तारीख से 16 तारीख के बीच में पड़ती है, तो इसमें भी 17 तारीख तक भी कभी कभी हो जाती, 14 से 17 के बीच में, तो इसमें हर महीने का देख करके कब रवि संक्रांति है, तो इनमें ऋतुकाल होने पर भी पत्नी का संगम नहीं होना चाहिए। और पूर्व रात्र व्यतीत, जब रात्रि का पहला प्रहर व्यतीत हो जाए, तो पहला प्रहर और अंतिम प्रहर माने ब्रह्म मुहूर्त को छोड़ करके मध्य दो प्रहर हैं, इनमें ऋतुकाल होने पर पति पत्नी का समागम होना चाहिए। क्यों? यदि ऋतुकाल में ही, यानी जब जो मासिक धर्म हुआ उससे 16 रात्रि में निषिद्ध दिनों को छोड़ करके ही जब पति पत्नी का समागम मैथुन होता है तो पुत्र रुकता है, अन्यथा जो गर्भाधान नहीं होता है। तो ऐसे समय पर ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जो पति पत्नी समागम करते हैं तो वे गृहस्थ होने पर भी ब्रह्मचारी ही हैं, ऐसा शास्त्र कह रहा है कि ऋतुकालाभिगामित्वम स्वदारेषु रतात्मनः पर्ववर्ज्यम गृहस्थस्य ब्रह्मचर्यम् उदाहृतम्। वो गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही हैं। तो उपवीति, उस समय गर्भावस्था में कई लोग पूछते रहते हैं कि पत्नी समागम के समय पर कैसे यज्ञोपवीत रखें, तो यज्ञोपवीत को ये जो है गले में डाल लेते हैं, मालावत, कंठीवत, और पीछे डाल लेते हैं, अथवा दुल्लड़ करके गले में माला की तरह पहन लेना चाहिए। पुरुष बाम कुक्ष, पुरुष जो है बाई कुक्षी लेकर के, पुरुष जो है बाई करवट लेकर के शयन करे, और स्त्री च दक्षिण कुक्ष, स्त्री दक्षिण कुक्षी, स्त्री दाहिनी करवट लेकर के शयन करे। तो इसमें लिखा हुआ है कि अत्रत्यम रहस्यम योग शास्त्र स्पष्टम, इसका रहस्य है योग शास्त्र में बड़ा स्पष्ट है, वो रहस्य यह है ऐसा करने से पुरुष का वीर्य शीघ्र पतित नहीं होता है जो बाई करवट लेकर के सोता है, और पत्नी जो बाई करवट दाई करवट लेकर के रहती है तो उसमें गर्भाधान जल्दी हो जाता है और पुत्र की प्राप्ति होती है, और भी कई रहस्य हैं, इसलिए ऐसे ही रहना चाहिए। मंचके विश्रम्य घटिका मात्रम बाह्य रतम कुर्वन, तो इस तरीके से बढ़िया सैया पर लेट करके एक घटी तक माने लगभग 24 मिनट तक बाह्य रतम कुर्वन, जो बाह्य और स्त्री को उत्तेजित करने से संबंधित क्रियाओं को करके करता हुआ, प्रांग मुखा उदंग मुखा सन, पुरुष जो है पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो करके परमात्मानं संस्मृत्या, परमात्मा का स्मरण करके भगवान से ये प्रार्थना करके कि ऐसा कोई जीव हमारे माध्यम से पत्नी में स्थापित हो जो हमारे वंश को वृद्धि करने वाला, कल्याणकारी और बुद्धिमान, गुणवान,
तेजस्वी ओजस्वी मनस्वी भगवत भक्त पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा भगवान से चिंतन करे तथा भगवान का स्मरण करे, और जैसा पुत्र वो चाहता हो वैसा स्मरण करे और भगवान का स्मरण करे। परमात्मनम संस्मृत्य और अयोग्याहार चेष्टाम त्यक्त्वा, जब गर्भाधान करना हो तो उस दिन कोई भी अशास्त्रीय वस्तु का भक्षण न करे, अशास्त्रीय चेष्टा न करे, गर्भाधान करते समय कोई अशास्त्रीय व्यवहार न करे। अगर अशास्त्रीय व्यवहार करता है तो उसके बारे में हम बतलाएंगे उसे कितने नरक की प्राप्ति होती है। कोई मुखमैथुन या कोई अलग कार्य करता है तो उसका जो है शास्त्रों में निषेध बतलाया गया है, उसका बतलाएंगे। और काम शास्त्रोक्त प्रकारेण उपेयात, काम शास्त्र में जिस तरीके से बतलाया गया है कि स्त्री को नीचे रखते हुए पुरुष को ऊपर पुरुष रहे, या वो बाई कुक्षी लेकर के पुरुष और दाई कुक्षी बान स्त्री को गर्भाधान करे, इस तरीके से भगवत स्मरण पूर्वक गर्भाधान किया जाता है तो श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति, उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। अब इस समय देख लीजिएगा कि रति समय चुम्बनादि न दोष भाग, रति क्रिया करते समय उस समय जो है चुम्बन इत्यादि क्रिया की जाती है तो उसका दोष नहीं है, अन्यथा किसी के मुख से मुख मिलन अशास्त्रीय है, लेकिन इस समय ये वो पत्नी का मुख शुद्ध है, ये शास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्रिया हो जाए तथा उत्थाय, पुरुष खड़े होकर के तत्काल मूत्र त्यागम कृत्वा, पुरुष तुरंत मूत्र त्याग करे और कवोष जलेन स्नात्वा, थोड़े हल्के गर्म जल से स्नान करे। और अगर ये ऋतुकाल नहीं है, ऋतुकाल के अलावा कोई गर्भाधान कर रहा है, ये पत्नी समागम कर रहा है तो स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, तो मूत्र पुरी शब्द शुद्धिम कुर्यात, तो सामान्य मूत्र पुरुष के समान शुद्धि कर ले। वो सामान्य शुद्धि यह है कि एकालिंगे, एक बार लिंग में मिट्टी लगा करके धोए, सभ्येत्री बाएं हाथ में तीन बार मिट्टी लगा करके धोए, उभयोर्मृद्वयम् स्मृतम् और दोनों हाथों में दो बार मिट्टी लगा करके धोए, और आठ पुल्ला करे, मूत्र शौचम समाख्यातम मैथुने दुगुणम स्मृतम्। ये तो मूत्र जो है शौच है, ये मैथुन में दुगुणित हो जाता है, माने दो बार लिंग में मिट्टी लगानी है और छह बार बाएं हाथ में लगानी है और दोनों हाथ चार बार धोने और आठ बार कुल्ला करना है, ये मैथुन के बाद शुद्धि कर ले वे। और जब गर्भाधान हो जाए या ऋतुकाल में गमन करे तो फिर स्नान भी करे, ये बात है। और इसके बाद सिताज्य युक्तम दुग्धम पिबे, घी मिश्री मिले हुए दूध को पिए, तो इससे इसमें टिप्पणी में लिखा हुआ है कि सद्या बल प्राप्त होता है, दूध पी करके आधान करे तथा बाद में भी दूध पिए, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। अगर किसी के पास में दूध नहीं हो तो अलाभे पलार्ध मात्रम गुडम्बा भक्षयित्वा, तो थोड़ा पलार्ध माने कुछ तोले गुड़ खा ले वे। और फिर इसके बाद पृथक सुपे, फिर दोनों पति पत्नी अलग अलग सोए, एक साथ नहीं सोना है, क्योंकि अपनी पत्नी के साथ भी रात्रि में सोना शास्त्र मना करते हैं, इस तरीके से ये बतलाया गया है शास्त्रों में। अमावस्या वर्ज तिथौ ब्रह्मचारी भवे, अमावस्या इत्यादि तिथियों में जो है वर्ज तिथि है उनमें जो है ब्रह्मचारी रहे। और जब यदि कोई बंधन नहीं है, व्याधि बंधन प्रवासादि रहिता नाम ऋतुगमनम आवश्यकम, यदि कोई व्याधि में नहीं पड़ा हुआ है, बंधन में नहीं पड़ा हुआ है, घर से बाहर नहीं है और कोई आपत्ति नहीं है और निषिद्ध दिन नहीं है जिस दिन मैथुन नहीं करना है, और ऋतुकाल पत्नी का प्राप्त है, माने पीरियड के बाद ये जो है चार तो वो निकल गए, 12 दिन और बचे हुए हैं उनके दिन का समय है, तो गमनम आवश्यकम, तो पत्नी के साथ सहवास करना आवश्यक है, क्योंकि वो कोई गुस्सा हो करके या कोई बेमना हो करके यदि पत्नी के साथ में गमन नहीं करता है तो ब्रह्म हत्या उसको प्राप्त होती है, ब्रह्म हत्या लग जाती है। इसलिए ये कार घोरायाम ब्रह्म हत्यायाम पच्यते नात्र संशय, वो ब्रह्म हत्या में लग जाता है, यमराज का ऐसा वचन है। इसलिए ऋतुस्नाताम तु यो भार्याम सन्निधौ नोपगच्छति, यदि पत्नी के पास नहीं जाता है तो,
तो उसके पास जाए और पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के बाद कम से कम एक बार सदगृहस्थ को गर्भाधान जो है स्त्री गमन मैथुन क्रिया अवश्य ही करना चाहिए। लिखा हुआ है कि शयनाद्युत्थिता स्त्री शुचि, शयन काल से जब पति स्नान करके इतना क्रिया करके आए तो पत्नी जो सीधी या दाई करवट लेकर के लेटी रहे तो गर्भाधान स्थित गर्भ स्थित होता है, अन्यथा खड़ी हो जाती है या लघुशंका करने के लिए चली जाती है तो गर्भ ठहरता नहीं है। तो इसके बाद वो पत्नी खड़ी होकर के अपनी शैया पर लेट है तो शयनाद्युत्थिता नारी शुचि, पत्नी खड़े होते ही वो शुद्ध हो जाती है। और न पुमान, पुरुष पवित्र नहीं होता है, पुमान न शुचि ही, पुरुष को तो वो जो है लिंग शुद्धि स्नान इत्यादि करके शुद्धि करनी आवश्यक होती है। इससे संबंधित और भी बातें हैं जो कभी फिर बतलाएंगे। इस तरीके से ये दारूपगमन विधि ये कर्मठ गुरु में दी गई है, इस तरीके से शास्त्रीय विधान है और शास्त्र इसको यज्ञ बतलाते हैं। सतपत्नी में उपनिषद बतलाते हैं, वेद कहते हैं इसको यज्ञ। अपनी सतपत्नी में पुत्र उत्पत्ति के लिए ये जो क्रिया की जाती है तो ये यज्ञ है और इसको करने वाला सदगृहस्थ यज्ञ के पुण्य का भागी होता है। और अविधि पूर्वक और अशास्त्रीय विधि से करने वाला वो जो है पाप का भागी होता है। हर हर महादेव।